झज्जर में रोहतक लोकसभा से कांग्रेस के नवनियुक्त सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने धन्यवाद किया कार्यकर्ताओं को। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए कांग्रेस पार्टी के लिए दिन रात मेहनत कर पार्टी को विजय दिलाने पर दीपेंद्र हुड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं का शुक्रिया कहा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के संविधान बदलने को लेकर कांग्रेस द्वारा बोले गए झूठ के बयान पर भी लोकसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने पलटवार किया और कहा कि मैं सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने अपना वोट दिया और बाबा साहब द्वारा निर्मित देश के संविधान को बचाने का लोगों ने काम किया। दीपेंद्र हुड्डा ने निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों की नीयत सबके सामने आ चुकी है और चुनाव से पहले इनके नेताओं के बयान, मोहन भागवत, अनंत कुमार हेगड़े, बाकी नेताओं के बयान कि हम संविधान को खत्म करने का काम करेंगे, 400 पार करना है, इसीलिए तो कोई कसर बाकी नहीं बची थी। देश के लोगों को मैं मुख्यमंत्री जी कहना चाहता हूँ, आप देश के लोगों को ना समझे, देश की जनता सबसे समझदार है। उन्होंने आपकी नीयत समझ ली और वोट की चोट से आपकी उस नीयत को हराने का काम